हाय फ्रेंड्स, हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज़, आई होप यू ऑल आर गुड एंड दिस इज़ मी मदीहा। वेलकम टू माय चैनल गाइस। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द सम इम्पेरेटिव मोड्स दैट वी ऑल शुड नो दैट द सेंटेंस विच यू आर स्पीकिंग विद समवन एल्स इज कॉल्ड इम्पेरेटिव मोड। वी शुड नो अबाउट इट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज लुक अहेड, सामने देखो। गो अहेड, आगे बढ़ो। ड्राइव स्लोली, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो। टेक केयर ऑफ हिम, इसका ख्याल रखना। गो बैक, वापस जाओ। जस्ट लिसन, सुनिए तो। कम सून, जल्दी आना। लेट मी सी, मुझे देखने दो। बी रेडी, तैयार रहना। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ कर बोलो। जैसे कभी भी हमारे साथ ऐसे बहुत टाइम केसेस होते हैं, सीन होते हैं कि कोई भी कुछ गलत बोल देते हैं हमारे बारे में या किसी और के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो हम उसे बहुत बार बोलते हैं कि सोच समझकर बोलिए। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हिंदी में बोलने के बजाय। थिंक बिफोर यू स्पीक, इट इज़ गुड फॉर यू गाइज दैट यू स्पीक इन इंग्लिश रेदर दैन हिंदी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ डू कम, ज़रूर आना। इन्फॉर्म मी अबाउट हर, इसकी खबर देना। डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो। नाउ व्हेन समवन इज़ स्पीकिंग वेरी फनी एंड क्रैकिंग जोक्स ऑन यू एंड योर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स सिस्टर्स, देन यू कैन से देम दैट डोंट कट जोक्स। ओके, देन नेक्स्ट इज डोंट टॉक नॉनसेंस। व्हेन समवन इज़ सेइंग डोंट टॉक नॉनसेंस, इट मीन्स द अनदर पर्सन इज़ मूव्ड ऑन टू द अनदर टॉपिक एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स विच इज़ नॉट गुड फॉर दैट टाइम सिचुएशन एंड नॉट द पार्ट ऑफ द कन्वर्जेशन। ओके गाइज, देन यू कैन से लाइक दिस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेहुदा ना बको। नेवर माइंड, कुछ परवाह ना करो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हैव अ हार्ट, कुछ तो ख्याल करो। किसी और के बारे में कुछ गलत सलत बोल रहा है कोई, या फिर कुछ बुरा बोल रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, तो हम उसे ऐसा बोल सकते हैं हैव अ हार्ट, कुछ तो ख्याल करो। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इज होल्ड ऑन, जरा रुकिए तो। नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलो। डोंट वरी, फिक्र मत करो। नाउ हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें प्लीज़ आएगा, जो रिक्वेस्ट हम किसी से कर सकते हैं, तो ऐसे बोलेंगे। नाउ प्लीज़ ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। प्लीज़ वेट अ बिट, ज़रा ठहरिए। प्लीज़ कम इन, अंदर आइए। प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए। कोई हमारे घर में आता है तो हम उससे बोलते हैं बैठिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ रिप्लाई, जवाब दीजिए। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, ज़रा और ठहरिए। कोई हमारे फ्रेंड हमारे घर पे आते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं उन्हें जाने नहीं देने के लिए, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज़ डोंट एम्प्रेस मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एज़ यू लाइक, जैसे आपकी मर्ज़ी। डू कम अगेन, फिर आइएगा। जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आए हैं तो उन्हें दोबारा से आने के लिए ऐसे बोल सकते हैं डू कम एन अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द सम सेंटेंसेस विच टेलिंग अस अबाउट द पर्सन इज स्पीकिंग रूडली एंड टॉकिंग रबिश। सो वी कैन से इन द वे लाइक कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बश, इधर उधर की बातें छोड़ो, असल बात पर आओ। दिस आर दी सेंटेंसेज विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर डेली कन्वर्जेशन। ओके, देर आर वन मोर वे ऑफ सेइंग दिस इज स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। ओके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज डोंट बी सिली, पागल मत बनो। And if you want to say to your child that do study, don't play game entire day, so you can say in a good way. And in another way also, you can say like work while you work and play while you play. काम के वक्त काम करो और खेल के वक्त खेलो। Okay guys, now next is strike the iron when it is hot. ठीक वक्त पर कोशिश करो। Vacate the place, जगह खाली करो। नेवर माइंड, ख्याल मत करो। होल्ड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स, ज़बान पर काबू रखना। जैसे कोई कुछ गलत सलत बोल रहा है या किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं होल्ड योर टंग।
माइंड योर वर्ड्स, जबान पर काबू रखो। डिफरेंट वे, सो दिस इज ऑल्सो इम्प्रेसिबल एंड अट्रैक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल फॉर टूडे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब, लाइक शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय गाइज, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर फॉर योर हेल्थ।